नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, रूट के अंदर 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस 1 बटे रूट के अंदर 7 माइनस 4 रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये वाला जो प्रश्न जो क्वेश्चन है यह एसएससी पैटर्न का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 28 लिखा है, 28 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक 25 करेंगे और एक 3 करेंगे। ठीक है, 25 और 3 मिला के क्या होता है, 28 होता है। अब 10 रूट 3 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5, 2 × 5 = 10 होता है और रूट 3 जीव का तो लिख दिया। इसको हमने थोड़ी तोड़ लिया है अपने हिसाब से, इसको भी ऐसे करेंगे, माइनस 1/7 लिखा है, 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 = 7। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और यहाँ पर रूट 3 तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब रूट 3 और रूट 3 का गुणा करते हैं तभी 3 बनता है, और प्लस 2 × 5 × √3 माइनस, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 लिखा है, 3 को √3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 × 2 √3 ये कर लिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, a² b² + 2ab, और यहाँ पर a² b² - 2ab। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है √3 इसका स्क्वायर, और रूट तो लगा ही था पहले से, माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 + √3 माइनस का बचेगा 1/2 - √3। अब नीचे रूट का निशान आया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो कैसा होता है, इसी संख्या का गुणा हो जाएगा और साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 + √3 / 2 + √3। तो यहाँ क्या था, 5 + √3 यहाँ से था, माइनस इसका 1 में गुणा होगा तो 2 + √3। नीचे आप देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है, a² - b² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ से बचेगा 5 + √3 और माइनस में बचेगा 2 + √3। अब इस माइनस को अंदर प्रवेश करा देंगे, यहाँ बगल पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या था हमारा, 5 + √3 एक ब्रैकेट में था, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 + √3। अब यहाँ से 5 + √3 तो जीव का तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का √3, रूट से रूट कट जाएगा, रूट 3 से यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा 3, और यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल था, थोड़ी सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा
कि हम कैसे इसको तोड़े। हमने 10 को देखा था, 2 × 5 = 10 और √3, तो यानी इसको 5 के गुणनखंड करना है यहाँ पर √3, तो ये हमारा 2ab की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर हमने किया और बस उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आराम से आंसर मिल गया 3। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल PK गुरुजी के साथ। नमस्कार।